दोस्तों आज मैं बात करूंगा दिवाली की। आपको पता है कि दिवाली भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन पटाखे चलाए जाते हैं, दीपमाला की जाती है। लेकिन आप लोगों के मन में कभी डाउट आया होगा कि दिवाली सिख क्यों मनाते हैं? आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल पे दीपमाला होती है, पटाखे चलते हैं, आतिशबाजी होती है। तो क्या रीज़न है इसका दिवाली मनाने का कि सिख दिवाली क्यों मनाते हैं? दोस्तों सिखों में दिवाली बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाई जाती है। ये इसके पीछे रीज़न है एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। सिखों के पांचवें गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी, जिनको जहांगीर ने तत्ती तवी पे बिठा के शहीद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उनको बोला था कि या तो आप हिंदू मुसलमान बन जाओ या फिर आप शहीद हो जाओ। तो उन्होंने शहीद होना स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे थे श्री गुरु हरगोविंद जी, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। उनको 11 साल की उम्र में गुरुगद्दी मिल गई थी गुरु अर्जन देव जी के जाने के बाद। तो गुरु हरगोविंद जी ने मिरी पीरी दो तलवारें धारण करी थी और वो मुगल कौम से लड़ना चाहते थे, ठीक है। तो जहांगीर जो बादशाह था उसको पता था कि ये आने वाले टाइम में एक खतरा बन सकता है उनकी कौम के लिए, तो उन्होंने गुरु हरगोविंद जी को बंदी बना लिया ग्वालियर के किले में। उनके साथ 52 राजे और थे, हिंदू राजे थे जो उनके साथ बंदी थे, तो उनको बंदी बना के रख लिया। तो जब गुरुजी को बंदी बना के रखा हुआ था तो जहांगीर को एक अंदर से बड़ा पश्चाताप होने लगा और उसको बुरे बुरे सपने आने लगे थे, उसकी मौत के सपने। ने ये सपनों के बारे में विद्वानों को बताया। विद्वानों ने उस जहांगीर को बताया कि जिसको आपने कैद करके रखा हुआ है वो बहुत परमात्मा का रूप है, अकाल पुरख हैं। तो जहांगीर ने गुरुजी को रिहा करने का फैसला कर लिया, लेकिन गुरुजी ने उन जहांगीर को बताया कि वो अकेले रिहा नहीं होंगे, वो जो 52 राजे हैं उनके साथ ही रिहा होंगे। तो जहांगीर ने एक शर्त रख दी कि जो आपका चोला पकड़ के आपके साथ बाहर आ जाएगा उसको मैं रिहा कर दूंगा, ठीक है। तो गुरुजी ने क्या किया, एक ऐसा चोला बनवाया जिसपे जो 52 थी तनिया थी उसकी लगी हुई, और उस 52 तनिया को पकड़ के सारे जो साथ के राजे थे, हिंदू राजे, वो भी उनके साथ रिहा हो गए। तब भी ये लोग जब हरमंदर साहब पहुँचे, गोल्डन टेम्पल पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी दीपमाला करी गई और तब से ही सिखों में ये जो है बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है दिवाली के दिन। तो ये थी कहानी बंदी छोड़ दिवस के पीछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।